हेलो फ्रेंड्स, जिया कुकिंग कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीन्स की सब्जी तो आपने कई तरीके की खाई होगी, लेकिन आज मैं बना रही हूँ बिल्कुल अलग तरीके की पनीर बीन्स सब्जी, जो कि फुल प्रोटीन और कैल्शियम से भरी हुई है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। पनीर बीन्स की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम ये बीन्स। ये बिल्कुल हमने ताज़ा फ्रेश कच्ची वाली बीन्स ली हैं। इनको अच्छे से वॉश कर लेंगे और सारे पानी को अच्छे से निकाल लेंगे। इसके बाद में दोनों साइड के जो किनारे हैं इनको हटा लेंगे और इन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। आप चाहे तो थोड़ा बड़ा भी इसे कट कर सकते हैं। ये देखिए, मैं यहाँ इस तरह से कट कर रही हूँ। ऐसे हम सारी फलियों को कट कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये सारी हमने बीन्स को कट कर लिया है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रोसेस में अब लेंगे हम एक पैन। इसे हमने गैस पे चढ़ा दिया है। गैस की फ्लेम को लो मीडियम रखेंगे और अब इसमें डाला है एक बड़ा चम्मच ऑयल। जब तेल अच्छे से गर्म होने लगा है, अब इसमें डालेंगे हम ये स्क्वायर पीसीज में कट करे हुए पनीर। ये हम पनीर और बीन्स की सब्जी बना रहे हैं ना, इसलिए सबसे पहले हम पनीर को ही रोस्ट कर लेंगे। अब इस ऑयल में थोड़े थोड़े करके ये सारे पनीर डाल देंगे। अब इस पनीर को हम इस ऑयल में अच्छे से रोस्ट करेंगे। 2 मिनट तक हम इसे अच्छे से चारों तरफ से घुमा के सेक लेंगे। ज़्यादा डार्क कलर का नहीं करना है, बस लाइट कलर का, हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए इतना हम इसे सेकेंगे। आप चाहे तो कच्चा पनीर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यदि इसे हम ऐसे ऑयल में सेक लेते हैं ना, तो पनीर का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। अब इस तरह से हमने इनको सेक लिया है। अब इसमें मसाले डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। अब इसके बाद में स्वादानुसार इसमें हम नमक ऐड करेंगे। ये देखिए, हम यहाँ इस पनीर को रोस्ट करते समय ही मसाले डाल रहे हैं, ताकि पनीर में मसाला अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। पनीर थोड़ा फीका फीका लग जाता है ना कई बार, तो वैसा नहीं होगा। अगर यदि हम मसाले ऐसे ऑयल में करके इसे रोस्ट करते समय हम डाल देंगे, तो पनीर का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। इस तरह से हम इसे 1 मिनट तक और भून लेंगे और फिर इसे रख देंगे। अब यह हमने एक दूसरा पैन लिया है, इसमें हम ये पनीर और ये बीन्स की सब्जी तैयार करेंगे। इसमें एक बड़ा चम्मच ऑयल लेके इसे अच्छे से गर्म कर लिया है और जीरा और राइस में डाल ली है। अभी आधा हरी मिर्च बारीक कटी हुई वो भी इसमें डाल दी है। अब जरा सा इसमें अदरक का पेस्ट डाल दिया है। अब एक बड़ा वाला प्याज बारीक कटा हुआ वो इसमें डाल देंगे। अब इन्हें अच्छे से मिक्स करके हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक इस प्याज को पका लेंगे। अब इसी में हम मसाले डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये 1 चम्मच डालेंगे इसमें धनिया पाउडर। अब इसके बाद में डालेंगे आधा चम्मच जीरा पाउडर। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमें टमाटर नहीं डालना है। एक बार इन मसालों को इस प्याज में मिक्स करेंगे, ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए। अब इसके बाद में जो हमने बीन्स कट करे हैं ना, वो इस बीन्स को इसमें डाल देंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हम मसाले को पका के बीन्स डालते हैं, तो बीन्स में मसाला अच्छे से एब्जॉर्ब होता है और बीन्स भी थोड़ा हल्का फ्राई हो जाता है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये आप देख सकते हैं। अब इसके बाद में इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच इसमें नमक डालेंगे हम स्वाद के अनुसार। अब इसके बाद में अब डालेंगे इसमें बारीक कटे हुए टमाटर। टमाटर हम इसमें सबसे लास्ट में डाल रहे हैं, पनीर से पहले डाल देंगे। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो टमाटर की प्यूरी बना के भी इसमें डाल सकते हैं। मैं यहाँ बारीक कटे हुए टमाटर यूज़ कर रही हूँ। अब इसे हम मिक्स करके थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। अब इसे हम 2 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। हमने यहाँ अभी पानी का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि टमाटर भी पानी छोड़ेगा। अभी 2 मिनट हो चुके हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए, अभी बीन्स अच्छे से पके नहीं हैं, इसलिए इसे हम थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे। 2 चम्मच पानी इसमें डालेंगे और 1 मिनट के लिए और इसे ढक देंगे।
इसके बाद में अच्छे से अभी हम चेक करेंगे। ये देखिए अभी बीन्स अच्छे से पक चुके हैं। हमें इसे लिक्विड फॉर्म में नहीं बनाना है, केवल हमको ड्राई सब्जी बनानी है बीन्स की। अब इसमें डालेंगे हम पनीर, जो पनीर मसाला हमने तैयार किया था ना रोस्ट करके, वो पनीर अब इसमें ऐड करेंगे लास्ट में। ये आप देख सकते हैं कितनी शानदार वाली पनीर बीन्स की सब्जी रेडी की है। बीन्स की सब्जी ऐसे ही चाहे कम पसंद करते हो, लेकिन यदि आप ऐसे पनीर बीन्स की सब्जी बनाएंगे तो यकीन मानिए बहुत शानदार वाली सब्जी बनेगी। और थोड़ा सा हरे धनिया डाल के इसको गार्निश कर देंगे। यकीन मानिए आप इस तरह से सब्जी बनाएंगे ना तो सबको बहुत पसंद आएगी और सब आपकी तारीफ करे बिना नहीं रहेंगे। और ये प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर होती है पनीर बीन्स की सब्जी। यदि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।